हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का चल रहा था मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य में 13 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, आज मूल कर्तव्य में उसके आगे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अधीन संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में किस समिति के संस्तुति पर किया गया है? तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति। क्या है दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान भाग 4 क जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। इसके बाद देखिए, भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। अगला देख लीजिए, यहाँ क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से है। किससे है? मूल कर्तव्य से। तो देखिए, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों का समावेश है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी नहीं है। वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से। इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो देखिए, दी गई कर्तव्यों का प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, गलत है। वे विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी गलत है, न तो एक न तो दो। इसके बाद देख लीजिए आप लोग, मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए संविधान में न तो कोई विधायी प्रक्रिया दी गई है और न ही वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन से एक मूल कर्तव्य नहीं है? कौन से एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, तो डी गलत है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देख लीजिए कि भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूट रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? दोस्तों डी है, मूल कर्तव्य। इसके बाद देखिए, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने एवं उसे अछूट बनाए रखने की बात भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत शामिल किए गए मूल कर्तव्य के खंड में की गई है। इसके बाद देखिए, ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 51 ग में भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूट रखने का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके बाद देख लीजिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूलतः शामिल नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य पर एक पृथक भाग शामिल किया गया, गलत है। इसके बाद देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो केवल बी सही है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया है और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अगला देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मूल कर्तव्यों की बात की गई है दोस्तों, तो इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक कर्तव्य जोड़ा गया है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने 6 से 14 वर्ष या के बच्चे या प्रतिपालित को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है, गलत है। मूल कर्तव्य में नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल है। संसद के पास उपयुक्त विधि द्वारा मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने का अधिकार है। इसके बाद देख लीजिए, तो इसमें क्या सही है दोस्तों,
केवल 2 और 3 सही है। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों का प्रतिपालन को शिक्षित प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला देखिए, मूल कर्तव्य में नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में सजोए रखना नैतिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कराने की शक्ति है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में किस भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है? तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना सही है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना ये भी सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना ये भी सही है, डी गलत है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके बाद देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्व बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने और विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना अनुच्छेद 51 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संघ की कार्यपालिका के अंग है? तो देख लीजिए कौन है, भारत का राष्ट्रपति है, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का महानिवादी है, तो 1, 2, 3 सही है, इसमें क्या सही है, 1, 2, 3। इसके बाद देख लीजिए कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 के बीच संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका में शामिल क्या है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, भारत की महानिवादी है। अगला देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का पालन करना है? तो देखिए, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार संचालित हो, तो इसमें क्या सही है, सी सही है, 1 और 2। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, व्याख्या, अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र को 2 कर्तव्यों का पालन करना है, यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप संचालित हो रही है। अगला देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो देखिए अपने पद ग्रहण के दिन से। इसके बाद देख लीजिए, इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्य की विधानसभाएं, क्या है, राज्य की विधानसभाएं। इसके बाद देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। वही अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में किससे भौगोलिक क्षेत्रों की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो राष्ट्रपति है, क्या है, राष्ट्रपति को। इसके बाद देखिए, संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अगला देख लीजिए, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देख लीजिए, चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचित से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सी सही है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। इसके बाद देख लीजिए क्या है, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने की अभी तक एकमात्र उदाहरण है दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी है। तो देखिए, वर्ष 1977 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के अभी तक के एकमात्र निर्विरोध चुने गए भारतीय राष्ट्रपति हैं। अगला देख लीजिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, तो विधायी अधिकार है, क्या है, विधायी। इसके बाद देखिए, संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है,
जब संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन में न हो, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, तो इस प्रकार अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति एक विधायी शक्ति है। इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप में संसद के किसी भी सदन के एक तिहाई सदस्य के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगला देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इसमें यह शर्त होती कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके बाद देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है, भले ही राष्ट्रपति में के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य भी आप लोग का खत्म हो गया है, अब आपका कार्यपालिका स्टार्ट है। तो देखिए, कार्यपालिका स्टार्ट है, तो जो लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। और ये श्रृंखला आपका 27 अक्टूबर को जो PCS का एग्ज़ाम है, मैं एक सितंबर तक इस बुक को ख़त्म कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं कई टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।